हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी। आस्क अकेडमी के इस चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्लास नाइन्थ में जब हमें ग्राफ पेपर पर किसी नंबर को मार्क करना था, किसी पॉइंट को मार्क करना होता था, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते थे और एक वाई एक्सिस को ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये हमारी पास है वाई एक्सिस, यही करते थे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, और इसे हम इस तरीके से मार्क करते हैं। ठीक है, इसे हम जीरो से डिनोट करते हैं, जीरो से हमने इसे डिनोट कर दिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया एक तरीके से, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा कौन सा है, वो पॉइंट हम, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन पॉइंट हमें पता चल गया। अब इस ओरिजिन पॉइंट से या ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जितने भी नंबर हैं, जितने भी हम ये मार्क करते हैं नंबर, ही हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव। और इसी एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में इधर हमारा होता है नेगेटिव नंबर, एक्स के नेगेटिव नंबर हो गए, है ना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इस तरीके से आगे अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। वाई एक्सिस की बात करें हम, तो ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पर जो ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को हम लिख लेते हैं वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। इसी तरीके से ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर ये हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर, माइनस का वाई एक्सिस हम कह सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम इस तरह से नंबर लिखते थे। उसके बाद हमें कोई पॉइंट जब मार्क करना होता था तो हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती थी, और वो दोनों कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए एक हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, हमने ले लिया मान लीजिए थ्री एंड फोर, ये हमने थ्री एंड फोर दो कोऑर्डिनेट ले लिए। जो पहला कोऑर्डिनेट होता था, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एक्स, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं वाई, और ये इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। ठीक है, चलिए एक्स कोऑर्डिनेट को जो हम कहते हैं, अब इनके नाम भी होते हैं, एक्स यहीं लिख दूँ, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑप्सिका, ऑप्सिका, और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इनके नाम है एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑप्सिका, और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। आइए आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आने वाले हैं, जिनको हम इसमें पढ़ेंगे, एक एक को हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है, और उसको साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल भी, एक एक एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला, पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो लिख लेता हूं मैं यहां पर। डिस्टेंस फार्मूला होता है ये, होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। दो पॉइंट मान लीजिए, हमने ए पॉइंट ले लिया, ए हमारा है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं टू एंड माइनस थ्री,
और बी पॉइंट हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट है -6 और 3। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं। आइए अब एक चीज़ देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ आपको। जैसे हम ग्राफ है, मान लीजिए हमने लिया एक एक हो गया ए, हमने ले लिया है इसके अंदर 2 और 1, और बी हमने ले लिया इसके अंदर मान लीजिए 5 और 4। तो इसको जब हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा ये एक्स का 2 आ गया यहाँ पर, यानी कि ये 2, और वाई का 1। तो ये एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है 5 और 4। तो एक्स का आ गया 5 और वाई का 4 ऊपर जाएगा ना। तो ये लगभग हमारा, मान के चलिए मैं रफली वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करेंगे तो ग्राफ पे प्रॉपर आपको आएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ये ए पॉइंट क्या हमारे पास है, ये ए है हमारा 2 और 1, और इसका क्या है बी पॉइंट हमारे पास है 5 और 4। ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को निकालने का फॉर्मूला है। तो अब हमारे पास जो हमने इस पे ले लिया है वैल्यूज, वो हमारे पास ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट जो है 2 और -3, और बी के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो -6 और 3 है। तो आइए इस फॉर्मूले पे रखते हैं। अब इसको एक चीज़ और समझ लेते हैं, पहले मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये एक्स के एक्स है, एक्स वन है, ये वाई वन है ना, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ठीक है। ये चीज़ हमने इसलिए मार्क कर दिया इसके अंदर ताकि जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बार बार कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी कि भाई एक्स वन क्या है, वाई वन क्या है, एक्स टू क्या है, वाई टू क्या है, दोनों मार्क कर दिया। फार्मूले के ऊपर रख देते हैं इसको। चलिए फार्मूला क्या है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये रूट, रूट के अंदर है सारी चीज़ें। चलिए करते हैं, देखिए एक्स टू क्या है, एक्स टू है -6, पहले ये रूट लगा लेते हैं। एक्स टू क्या है -6, और माइनस एक्स वन क्या है 2, ये हमने फार्मूले में रख दिया इसका स्क्वायर। प्लस वाई टू क्या है 3 माइनस, और वाई वन क्या है, वाई वन ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस का कितना है ये 3 है। ये ब्रैकेट यहाँ ए वाला लगाएंगे, इनका कर देते हैं स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, 6 और 2 दोनों माइनस का है, तो माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये देखिए, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64, और 6 6 36, तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 3 100 आ गया। अब इसके देखिए, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी, पेयर बन के बाहर आ गया तो आ गया 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट आएगा, यूनिट, ठीक है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस को इसी तरह लिखे, ए बी करके लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ए बी यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकल करके हमारे पास आ गया 10 यूनिट। ये 10 यूनिट हमारा आंसर है। तो जब भी हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि सेंटर से जब निकालना हो, तब हम एक शॉर्ट फार्मूला देखिए क्या लिख सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब निकालना होगा, तो ओरिजिन से जब निकालना होगा तब फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला उस समय लगेगा क्या, तब देखिए फार्मूला लगेगा, शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे और इजीली निकल जाएगा। देखिए सेंटर, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर होता है ना, अभी जब हमने इसके अंदर देखा, ओरिजिन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर है, जब एक्स की वैल्यू भी जीरो है, एक्स के कोऑर्डिनेट भी जीरो है, वाई के कोऑर्डिनेट भी जीरो है, जब दोनों के कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो हमारा वो सेंटर है यानी कि ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो जब दोनों
कोऑर्डिनेट हमारे जीरो हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया गया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, इसके ऑर्डिनेट है हमारे पास 3 and 4 फ्रॉम द ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं पी के? 3 and 4 हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि सेंटर से कितनी दूरी पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो फार्मूला क्या हमारे पास है? फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स है, ये वाई हमारे पास है ना, ये एक एक्स है एक वाई है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 3 और वाई की वैल्यू है 4। तो इस पे हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा भैया? 3 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2। 3 3 जा 9, रूट में रखते हैं 9, और 4 4 जा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 का जो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो क्या आएगा? 5 यूनिट्स। हमेशा इसका जो डिस्टेंस होता है वो यूनिट्स में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से लेना हो, जैसे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, पी की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 3 and 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा सीधा फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। इक्विडिस्टेंस, आइए समझ लेते हैं इक्विडिस्टेंस होता क्या है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट से किसी पर्टिकुलर एक तीसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तीनों पॉइंटों से बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मेरे पास ए है, ये बी है, और एक मैं कोई सी पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए सी पॉइंट मैंने लिया है, तो ये जो सी पॉइंट है ये ए से जितनी दूरी पर है बी से भी उतनी दूरी पर होगा। मतलब ये वाली साइड ये साइड बराबर होंगी दोनों, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी ए से सी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस कहलाएगा। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में सवाल कैसे आते हैं। सवाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें एक चीज़ आ गया, हालांकि सवाल पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे क्या कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। y एक्सेस कैसे निकलेगी भाई, जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास दो एक्सेस हैं, x एक्सेस है y एक्सेस है। x एक्सेस के यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, ठीक है। x एक्सेस पर कोई पॉइंट कब आता है? देखिए x एक्सेस पर आएगा कब? किसी भी पॉइंट पर आ सकता है ना। कब होगा? जब y की वैल्यू जीरो होगी। कैसे? अगर मान लीजिए x एक्सेस पर हमें लेना है तो x का मान लीजिए हमने लिया 3 एंड 0 ले लिया, तो 3 x है और 0 क्या है? y, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। x का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो x का क्या है? 1 2 3 ये आएगा और 0 y का, y 0। अगर प्लस में कोई नंबर होता तो ऊपर जाते, माइनस में होता तो नीचे की तरफ आते। तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ पे मार्क हुआ? एक्स एक्सिस पर हो गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए हमने एक और पॉइंट ले लिया, हमने लिया 0 and 4, तो 0 and 4 कहाँ आएगा? 1 2, एक्स का पहले 0 आ गया जी, एक्स का 0 यहीं रहेगा, वाई का 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए वाई ये पहला कोऑर्डिनेट है एक्स का, दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई का। जब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमेशा वाई एक्सेस पर आता है, जब वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमेशा एक्स एक्सेस पर आता है पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है
कि क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी इसी पे एक बार और देख लेते हैं कि वाई एक्सिस पर चाहिए। मान लेते हैं कि एक पॉइंट आपका ये आ रहा है, ये हम एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। तो कह रहा है कि वाई एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर वो आना चाहिए, वाई एक्सिस पर आना चाहिए। मतलब यहाँ से मान लीजिए यही पॉइंट अगर होता, ये डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से भी ये डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो डिस्टेंस ये वाला और ये डिस्टेंस है, ये बराबर होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ से सी पॉइंट की जो दूरी है वो बी पॉइंट से भी सी पॉइंट की दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। ये तो मैंने एक्सेस पे ही ले रखा, हो सकता है कहीं बीच में से दे रहा हो, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो हमें एक्चुअल में इस वाई एक्सेस पर ही निकालना है वो पॉइंट कौन सा होगा। तो वाई एक्सेस पर लेने के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई का कोई नंबर होगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो बाद में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगी वैल्यू। तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई होगा, वाई का कोऑर्डिनेट वाई कुछ होएगा, नंबर होगा कुछ, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको। तीन पॉइंट हमें दिए हुए हैं, कौन कौन सा, एक पॉइंट हमारे पास है ए, एक बी है, सी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। सी पॉइंट हमारे पास होगा एक्स का जीरो और वाई का कोई कोऑर्डिनेट होगा। चलिए तो इसमें जो है ये देखिए, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये अभी इसका भी नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ क्या समझ में आई कि ए से सी का जो डिस्टेंस है, जब हमने इसको देखा, इसको हमने देखा तो ए से सी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, बी सी के डिस्टेंस के बराबर है, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी। यानी कि क्या, ए का कोऑर्डिनेट लिखो 6 एंड 5 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 एंड y है। इन दोनों का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी और बी सी, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -4 एंड 3 और यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड y। ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप इन दोनों के बीच के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, ये एक्स टू होगा और ये वाई टू होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू को हम कर देते हैं पुट। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है, डिस्टेंस फार्मूला देखिए हमने लिखा था ना, क्या लिखा था, यहाँ इधर फार्मूला लगा लेते हैं, क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही तो होता है, इधर भी यही लगेगा फार्मूला। जब यहाँ हमने क्या निकाला, ए सी निकाला है, यहाँ निकालेंगे ए बी, सॉरी यहाँ पर हम निकालेंगे बी सी, यहाँ बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही तो लगेगा फार्मूला। तो दोनों बराबर हैं, इससे हम करके देख लेते हैं, अभी वाई की वैल्यू निकल के आएगी, देखते हैं। एक्स टू क्या है, ज़ीरो है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, हमने रख दिया एक्स टू की वैल्यू 0 माइनस एक्स वन की वैल्यू है 6, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू y है माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका भी स्क्वायर, इस पर हम रूट डाल देते हैं, ठीक है, ओके। अब इनका इक्वल किसके होगा भैया, इसके, इस पर भी हम लगा लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या, ऑलरेडी माइनस का 4 है, ठीक है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस 3 का स्क्वायर, इतना हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं जी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को काटा जा सकता है, लेकिन आप यहाँ लिख देंगे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तब भी स्क्वायर रूट हट जाएंगे। तो यहाँ लिखिए
स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। देखते कैसे हटेगा, तो क्या आएगी वैल्यू, हटेगी तो वैल्यू हमारे पास आएगी जीरो माइनस, जीरो माइनस सिक्स कर देंगे, चलिए ऐसे लिख लेता हूँ, बाद में हटाता हूँ ना, ये जाएगा वाई माइनस फाइव का, और यहाँ पर होगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि फोर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोल देते हैं इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, इसी तरह फोर फोर जा सिक्सटीन, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये भी खुलेगा, तो y का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 5 फाइव जा 25, 2 फाइव जा माइनस का 10y, यह हो जाएगा 16, ये y स्क्वायर 3 थ्री जा 9 माइनस 2 थ्री जा 6y, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस है, ये भी वाई स्क्वायर प्लस है, जब इसको इस तरफ लाएंगे एक साइड तो कट जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये 36 और 25 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 61 और माइनस का 10y इक्वल टू, ये 16 और 9 को प्लस करेंगे तो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 6y, ऐसे आ गया। अब y वाले वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 10y इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 6y इक्वल टू ये 25 यही होगा, ये 61 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 61 हो जाएगा, और उसके बाद 10y में से 4y ये माइनस का ये प्लस का है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, वैल्यू प्लस माइनस की बड़ी है तो माइनस का नंबर आ जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू इसमें से घटा देंगे दोनों को तो आएगी वैल्यू माइनस का 36, और यहाँ फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आगे 4y इक्वल टू 36 देन y इक्वल टू 36 अपॉन 4, आगे क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, 41 जा 4 और 49 जा 36 देन y इक्वल टू आ गया 9। तो C के जो कोऑर्डिनेट हैं, C के क्या कोऑर्डिनेट हमने रखे थे भाई, C के कोऑर्डिनेट क्या रखे थे, C का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 एंड y, तो C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C के जो कोऑर्डिनेट 0 और y थे तो इसकी जगह हम लिखेंगे C का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 एंड 9, ये आपका आएगा आंसर, C के कोऑर्डिनेट, जो C पॉइंट होगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 एंड 9 होंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी इक्विडिस्टेंस पे, अगर वो x एक्सिस पे दिया है तो भी और y एक्सिस पर है तो भी, दोनों ही कंडीशंस में हम इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन फार्मूले का यूज कहाँ पर होगा। जब भी कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है 4 एंड माइनस 3 है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 एंड 8 है। अब इन दोनों इस स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट ए है एक पॉइंट सी है, ये इनको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अगर ये कोऑर्डिनेट भी गिवन है तो ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला कैसे निकलता है उस चीज़ को समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, एक्स वाई निकालना होता है तो कैसे निकलता है, देखिए अब इसमें चीज़ें समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, अभी पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे चीज़ों को। m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2
और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू, ये फार्मूला है, ठीक है। ये बंद कर दिया, ये एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो इस पे हम रख लेंगे। अब देखिए है क्या, एम वन एम टू क्या है ये भी समझ लेते हैं, है ना। एम वन एम टू क्या है, एम वन एम टू लिख दीजिए। देखिए ये मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रेशो में इसने डिवाइड किया, मान लेते हैं हम कि इसने इसको जो रेशो किया ये 3:1 के रेशो में किया, इसका जो रेशो था, रेशो में यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है, मान लीजिए ये जो रेशो था वो 3:1 का रेशो था, 3:1 का रेशो था, दिख रहा है, ठीक है। पेन से लिख देता हूँ, जरा ये रेशो जो है वो 3:1 का रेशो है, तो 3:1 का रेशो है तो ये हमारा जो होगा, पेन ना लग दीजिए, ये जो होगा ये हमारे पास M1 होगा और ये M2 है, ठीक है। ये मान लीजिए 3 है और ये 5 रेशो में है, सॉरी ये 3:1 के रेशो में है, ठीक है। तो ये हमारा M1 और ये M2 है, ठीक है। आइए पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स वाई हमें निकालना आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, एक्स वाई हमें निकालना है, तो निकलेगा कैसे, दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं। एम वन, एम वन क्या है भाई, एम वन देख लीजिए, एम वन ये है, एम टू ये है, एम वन है 3 मल्टीप्लाई एक्स टू। अब एक्स टू कहाँ पे है, ये हमारा एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, लिख देता हूँ ताकि ईजी हो जाए ना हमारे लिए। ये हमारे पास है एक्स वन, ये वाई वन, ये होगा एक्स टू, ये वाई टू इसका, है ना। तो हमें ये वाला निकालने, एक्स वाई हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, M1 हमारे पास ये है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी हमने लिख दिया है, तो 3 लिख दिया। एक्स टू क्या है, एक्स टू हमारे पास 8 है, प्लस एम टू क्या है, एम टू 1 मल्टीप्लाई एम एक्स वन क्या है, एक्स वन हमारे पास है 4, एम वन एम टू यानी कि 3 प्लस का 1, कोमा डाला हमने। एम वन, एम वन क्या भाई, एम वन है 3 मल्टीप्लाई वाई टू, वाई टू, वाई टू इज 5 प्लस एम टू, एम टू इज 3, एम टू इज 1, एम टू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई वाई 1 माइनस का 3, एम वन 3 प्लस 1, ये आ गया। हमने फार्मूले पे इस चीज को पुट कर दिया, सभी वैल्यूज हमने कर दी यहाँ पर पुट। चलिए अब कर लेते हैं, अब छोटा हो जाएगा। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 3 प्लस 1 4, यहाँ हो जाए 5 3 जा 15, और देखिए ये माइनस का है, है ना। माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया और 3 प्लस 1 4, तो क्या होगा, 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28 बाई 4, इसका हो जाएगा 12 बाई 4, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, ये हमारे पास है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, ये हमारे पास 28 बाई 4 है और ये हमारे पास 12 बाई 4 है, तो इसको हम कर देते हैं 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए वो आए 7 एंड 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट हमें निकल के आए, तो इसी प्रकार से हम इसके कोई भी सेक्शन फार्मूला में अगर ये रेशो अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर रेशो दिया है, तो हमें उस पॉइंट, जो पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए पी बी के जो हमने ए और बी से स्ट्रेट लाइन खींचा है उसको डिवाइड कर रहा है किसी पॉइंट को, ए और बी से जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर हमें ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और इसके रेशो फाइंड आउट करने हो, तो भी इसी फार्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए ये
सवाल वही है, मैंने उसी को क्या किया है, पहले वाले सवाल को ही लिख दिया, इसके पॉइंट लिख दिया, रेशो हमने हटा दिया, रेशो एम वन एम टू हमने रख दिया है। तो फार्मूले पे आइए, रख लेते हैं इसको। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया, और आइए वैल्यू को कर देते हैं पुट, वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्स और वाई का जो रेशो सी पॉइंट जो हमारे पास दे रखा था, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई दे रखा 7 और 3 दे रखा, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 7 एंड 3, ये हमने डाल दिया। एम वन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम एम वन ऐसे ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किससे, एक्स टू से। एक्स टू क्या भाई, ये है 8 से मल्टीप्लाई। एम वन एम टू भी हमें नहीं पता, इसी तरह लिख देंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया और हमने यहाँ एम वन प्लस एम टू लिख दिया। इसी तरीके से M2 की वैल्यू नहीं पता, मल्टीप्लाई Y1 ये है, Y2 ये है, Y2 की वैल्यू हमने रख दी 5 प्लस M2 नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं M1 होगा ना यहाँ पे, M1 होगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ था, M1 है ओके। M2 की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई Y1 से, Y1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3, M1 प्लस M2, ये हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है ओके। कर देते हैं, ये हो जाएगा 7, 3, यानी कि कोऑर्डिनेट दोनों लिख दिया, 8M1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 4M2, M1 प्लस M2 ओके, हो जाएगा 5M1 माइनस 3M2 M1 प्लस M2, इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। इसी तरीके से आगे कर लेते हैं, आगे क्या करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है तो यहाँ पर क्या है, ये x है का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और ये वाला y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 = 8m1 प्लस 4m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं और ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं साथ में ताकि आसान हो जाए। 3 = हो जाएगा 5m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं फिर कैसे आंसर आता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ओके, अब देखिए इसके बटे एक लगा सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 7m1 प्लस 7m2 इक्वल टू क्या होगा, इसकी यहाँ करेंगे तो जाएगा 8m1 प्लस 4m2, यही होगा, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए m1 वाला एक तरफ ले आते हैं, m2 वाला एक तरफ, देखते हैं क्या होता है, आइए देख लेते हैं। M वाले ये है हमारे पास 7m1, इस 8m को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8m1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4m2, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 7m2, इसमें क्या बचेगा, माइनस 1m1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 और माइनस का 3m2 बचेगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि m1 इक्वल टू हो गया 3m2, ठीक है ठीक है ओके। अब देखिए m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा बाई 1। इसी तरीके से हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, m1/m2 = 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, m1/m2 का मतलब क्या हो गया, m1/m2 का मतलब ये हो गया कि m1/m2 बराबर हो जाएगा 3/1, यही तो अभी आया था, अभी तो आया था ये, इसी तरीके से हमने किया था। अब देखो अभी जो हमने बात किया था ना, इसमें हमने देखा था कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को भी, अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा 3:1 का रेशो आया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी 3:1 का रेशो आएगा, कैसे देख लीजिए, कहीं डाउट ना हो इसलिए मैं इसको भी करवा देता हूँ।
इसको देखिए यहाँ कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे है 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई क्या है m1 प्लस m2 है ना। ओके हमने क्या किया, इसके बटे वन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 3m2। हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब देखिए 3m1 को इसको इधर लाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5m1 माइनस का 3m2 इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3m2 हो जाएगा। ठीक, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 2m1, इसमें इसको करेंगे तो माइनस का 6m2 हो जाएगा। m इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 6, तो m1 बाई m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/1। इट्स मीन m1 रेशो m2 बराबर हो गया 3:1। तो यहाँ से भी इसका रेशो निकल के आ गया, यहाँ से भी इसका रेशो निकल के आया, और दोनों का इक्वल ही आंसर आएगा। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व करेंगे तो रेशो इस तरह से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं अगला फार्मूला। और अगला फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं, है क्या लिख लेते हैं पहले, है ना। तो फार्मूला है, फार्मूला हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, होता है ये होता है 1/2, और ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। देखिए x1 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3, ठीक, फिर प्लस में x2 y2 के बाद आता है 3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x3 है तो y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, ये हमने ब्रैकेट को कर दिया बंद। इस फार्मूले को फॉलो करके हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट। तो देखते हैं भाई, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल जब भी बनेगा, यहाँ बना देते हैं एक ट्रायंगल, यहीं बना लेते हैं, चलिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 वर्टिक्स होंगे, एक वर्टिक्स ये होगा, एक दूसरा ये है, तीसरा वर्टिक्स यहाँ पर होगा। तो मान लेते हैं कि ए, हमारे पास ए है, ए वर्ट ए पॉइंट है, ए पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक है 1 और एक है -1। हमारे पास बी वर्टिक्स है, ये बी है, बी के दो कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, एक -4 और 6। सी पॉइंट जो बना हमारा, सी पॉइंट का हमने, इसमें भी दो कोऑर्डिनेट हैं, -3 और -5 ही हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स का, जो हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए का जो है, देखिए ये मान लेते हैं भाई x1 है, ये x1 है, ये y1 है, इसको मान लीजिए x2, ये y2, इसको हो जाएगा x3, ये y3। तो इस तरीके से तीनों जो x1, x2, x3 है, हमें यहाँ से मिल जाएगा, y1, y2, y3 भी यहीं से मिल जाएगा, और इसी तरीके से हमें तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट यहाँ पर हो गई हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और उसके बाद कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट को स्टार्ट किया, x1 बोले तो माइनस का, सॉरी 1 ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारा ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, y2 हमारे पास है 6, हमने लिख दिया 6, फिर माइनस ये वाला, और y3 क्या है,
वाई थ्री ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस हमने लिख दिया, हमने क्या लिखा, फाइव, है ना। ये देखिए ये हो गया, ये ब्रैकेट हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये प्लस का साइन लगा दिया, ओके। फिर एक्स टू क्या है, एक्स टू हमारे पास है माइनस का फोर, लिख दिया जी माइनस फोर। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री हमारे पास क्या है, माइनस का फाइव, ठीक है, माइनस वाई वन। ये ऑलरेडी देखो वाई वन भी हमारे पास माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद फिर है एक्स थ्री, एक्स थ्री क्या हमारे पास है, माइनस का थ्री, लिख दिया जी। फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन क्या है, माइनस का वन, माइनस वाई टू माइनस सिक्स कर दिया, ये कर दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज। तो इस तरीके से हमने कर दी सारी वैल्यूज पुट। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम ऊपर और इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वन बाई टू। अब करते ये हैं, देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिक्स और फाइव ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेवन। फिर ये प्लस का साइन, ये माइनस फोर मल्टीप्लाई, देखिए ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव में से प्लस वन घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का फोर, तो हमने लिख दिया माइनस का फोर। फिर ये प्लस, ये माइनस थ्री है, ठीक है अभी रखते हैं ब्रैकेट है, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस का सेवन, ये हमने कर दिया इधर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वन बाई टू, है ना, ओके। अभी देखिए ब्रैकेट को खोलते हैं, इलेवन वन जा इलेवन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का फोर, फोर जा सिक्सटीन, ठीक है। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे वन बाई टू, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, छः एक सात और एक आठ, और दो तीन और एक चार, 48 हो गया। अब क्या करें, अब करना ये है, देखिए मल्टीप्लाई हो रही ना, तो टू वन जा टू, और टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, कितना आ गया, ये आ गया 24। तो एरिया कितना हो गया 24। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, और यूनिट है भाई, यूनिट हमें नहीं पता ना सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो हम क्या करेंगे यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया, हम यहाँ लिखेंगे, यहीं लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 24 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके से हम इजीली इस फॉर्मूले को, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ये एरिया, देखिए ये एरिया हमारे पास क्या आया है, 24 स्क्वायर यूनिट। मान लीजिए कि अगर ये एरिया जीरो आ जाता तो क्या होता, अगर एरिया जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट जो है ना, ये जो तीन पॉइंट हमारे हैं, ये तीन पॉइंट इस तरीके से नहीं होंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे होंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कोलिनियर बन जाएगा, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। अगर एरिया जीरो में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। आइए जान लेते हैं अगला फॉर्मूला कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फार्मूला होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू, और ये होगा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, ये हमारे फार्मूला निकलेंगे एक्स और y के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट के। ये मिड पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, इसका दो पॉइंट हैं, a है और
ये बी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड सिंस बीच का पॉइंट जो आएगा ये सी पॉइंट है। तो जो सी पॉइंट आएगा उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, इस बी का भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो सी जो है उसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, इसका ए है पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट जो है माइनस फाइव एंड सेवन है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस वन एंड थ्री है, तो इसका में एक सी पॉइंट है सेंटर में कहीं, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ओके कर लेते हैं। चलिए कैसे होगा, देखो फार्मूला क्या है, एक्स वन, देख एक्स वन फिर वही चीज़ लिख देते हैं एक बार। अच्छा इसको हमने ब्रेक नहीं मिल किया, ठीक है इसको भी, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, यही है, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए x1 क्या हमारे पास है माइनस फाइव, प्लस x2 क्या हमारे पास है x2, x2 ये देखिए माइनस वन, माइनस वन बाई टू। y1 क्या है, y1 है सेवन, प्लस y2 क्या है थ्री बाई टू, यही तो निकलेंगे हमारे पास। चलो कर देते हैं सॉल्व, ये हमारे पास भाई फाइव माइनस का वन माइनस का, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सिक्स बाई टू, और ये हमारे सात और तीन दस बाई टू, ठीक है दस बटे दो। अब हो गया टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये तो हो गया माइनस का थ्री और ये हमारे पास हो गया फाइव। तो जो एक्स सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, माइनस का थ्री एंड जो सी है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस थ्री एंड फाइव, ये आपका निकल के आएगा आंसर, ये कोऑर्डिनेट सी के जो आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।